या तो ये पूरा उठ नहीं रहा या फिर पूरा उठ रहा, पता नहीं कुछ तो दिक्कत है। मेरा गला, अब आवाज निकली। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयर एवर यू आर। टुडे आई बी टॉकिंग अबाउट द ब्रांड एवर यूथ नेचुरल्स। ये एक ऐसी ब्रांड है जो आई थिंक काफी फेमिलियर है ऑल द गर्ल्स गाइज, आई थिंक सबको पता ही होगा, बिकॉज मैं खुद स्कूल और कॉलेज टाइम से इनका फेस वॉश, इनका पील ऑफ मास्क काफी पॉपुलर था, वो यूज करती थी। सो आई काइंड ऑफ नो द ब्रांड, एंड व्हेन दे रीच्ड आउट टू मी टू ट्राई देयर न्यू बॉडी लोशन, आई वॉज लाइक वाई नॉट, और मुझे जेन्युइनली काफी अच्छे लगे, इसलिए मैं रिव्यू आप सबके लिए बना रही हूँ। एंड दे हैव गुड वैरायटी राइट ओवर हियर, और जब वैरायटी होती ना तो ऑडियंस कभी कभी कंफ्यूज जाती है हमें कौन सा पिक करना चाहिए, हमारी स्किन कंसर्न के लिए कौन सा अच्छा होता है। हम स्किन केयर में तो इतना ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जब बॉडी केयर की बात आती है हम कुछ भी उठा के लगा लेते हैं, एंड दैट इज लाइक द वर्स्ट थिंग एवर, बिकॉज हम वैक्सिंग और शेविंग करते हैं ना, स्पेशली लड़कियां, देयर इज अ चांस कि हमारी स्किन डार्क हो जाती है, डल हो जाती है, वहां पे अजीब से फाइन लाइंस आने भी शुरू हो जाते हैं अगर आप गलत तरीके से वैक्सिंग करते हो। सो मेरे लिए तो बॉडी लोशन इज अ मस्ट हैव, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, आई ऑलवेज पिक अ नाइस बॉडी लोशन। सो एवरीथिंग राइट हियर इस बॉडी लोशन से रिलेटेड आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर do, let's get started. Make sure you hit the subscribe button and the bell icon for more reviews in the future. And now let's go. Let's start with the most basic thing, which is packaging. First of all, I love the packaging, very very quirky. At the same time, इसकी जो quantity है वो एकदम मुझे apt लगी, ना ज़्यादा छोटी bottle है ना ज़्यादा बड़ी bottle है। काफी सारे ऐसे body lotion मिलते हैं आपको market में, extremely बड़ी बड़ी bottle आती है, एक तो मैं उसको खत्म नहीं कर पाती, मैं bore भी हो जाती हूँ, because I'm a Gemini, मैं बहुत जल्दी product से bore हो जाती हूँ। काफी बार efficacy चली जाती है एक product की जो आप बहुत लंबे time तक उसको रखते हो, and weather जब change होता है ना, मेरी skin concern change आती है, तो मैं अपना बॉडी केयर प्रोडक्ट भी ऐसे चेंज करती रहती हूँ। सो आई रियली लाइक द फैक्ट इस लोशन की जो क्वांटिटी एकदम परफेक्ट है। अभी मैं विंटर्स में ये वाला यूज कर रही हूँ। नॉट टॉकिंग अबाउट द मेन यूएसपी ऑफ दिस बॉडी लोशन, दे आर ऑल एनरिच्ड विद 100% नेचुरल आलमंड मिल्क। चारों के अंदर ही आपको आलमंड मिल्क की गुडनेस मिलेगी, विच इज वेरी वेरी मॉइस्चराइजिंग एंड नरिशिंग फॉर योर स्किन। सो डेफिनेटली चारों ही बहुत अच्छे आपको नरिशमेंट दे रहे हैं। अनदर बेस्ट थिंग और दिस बॉडी लोशन आर, दे आर नॉन स्टिकी, विच इज द बेस्ट थिंग। आई डोंट लाइक वेरी स्टिकी स्टिकी चिपचिप वाले जो बॉडी लोशन होते हैं ना, मुझे बड़े गंदे लगते हैं, तो वो ट्रांसफर हो जाते हैं कपड़ों पर, ग्रीसी फील होते हैं, मेरी बॉडी इतनी चिपचिप करती है। ये क्विक एब्जॉर्प्शन वाला फॉर्मूला है, इसके पीछे भी लिखा हुआ है क्विक एब्जॉर्प्शन, पैराबिन फ्री एंड क्रुएल्टी फ्री। बाय द वे लोशन पैराबिन फ्री एंड क्रुएल्टी फ्री भी है, सो अगर आप क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट यूज करते हो, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू दिस पर्टिकुलर बॉडी लोशन। क्विक एब्जॉर्प्शन वाला क्लेम एकदम परफेक्ट है, बिकॉज ये कोका वाला वेरियंट चाहे बहुत ज्यादा हैवीली मॉइस्चराइजिंग है, लेकिन स्टिल ये स्किन में बहुत जल्दी चला जाता है। मुझे ऐसे घंटे लगाने पड़ते हैं इसको रब करने के लिए बॉडी के अंदर, ऐसे होता है ना काफी बार एब्जॉर्प्शन नहीं होती लोशन की, फिर हम रगड़ते रहते हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। सेकंड, अगर वो अच्छे से स्किन में जाता नहीं है तो स्किन के ऊपर एक लेयर बना देता है और फिर वो कपड़ों पे ट्रांसफर हो जाता है, जो स्टिकी फील होता है। ये दोनों प्रॉब्लम इसके साथ नहीं है, सो आई रियली लाइक द होल वर्किंग ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी लोशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल द फोर वेरियंट। सबसे पहले बात करते हैं मेरे करंट फेवरेट वेरियंट की, बिकॉज अभी विंटर्स का टाइम है, मेरी स्किन है एक्सट्रीमली ड्राई, और अभी शेविंग भी करती हूँ ना, तो स्किन अजीब सी एकदम रैशेस इची इची फील होती है, तो मुझे ये वाला वेरियंट काफी सही लग रहा है। ये है नरिशिंग कोकोआ वेरियंट फॉर इंटेंस मॉइस्चराइजेशन, 48 आवर्स का इसका क्लेम है विद आलमंड मिल्क। जैसे कि मैंने बताया था, चारों के अंदर आपको आलमंड मिल्क की गुडनेस मिलती है। सो ये वाला जो है कंबाइंस आलमंड मिल्क विद प्योर कोकोआ दैट मॉइस्चराइजेस योर स्किन फॉर 48 आवर्स। सो ये काफी मॉइस्चराइजिंग है, अगर आप किसी विंटर कंडीशन में रहते हो या फिर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है, आप शेविंग वैक्सिंग करते हो तो और आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, आप ये वाला वेरियंट पिकअप कर सकते हो। फ्रेग्रेंस की जहां तक बात की जाती है, या इसकी एकदम जैसे प्रॉपर जैसे कोकोआ की खुशबू होती है ना, जो आप कॉफी में भी डालते हो, ऊपर से कोकोआ डालते हो, या जो केक आप बनाते हो इसकी एग्जैक्टली कोकोआ वाली खुशबू है, जो काफी मीठी है। सो अगर आपको थोड़ा सा मीठे वाले नोट्स के परफ्यूम पसंद है तो आप ये बॉडी लोशन ले सकते हो। फ्रेग्रेंस अच्छी है, बिल्कुल भी ओवर पावरिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको माइग्रेन हो जाएगा, सर दर्द हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इसकी फ्रेग्रेंस नहीं है, हल्की सी एक सूदिंग फ्रेग्रेंस आती है, विच आई लाइक, एंड आई ऑल्सो कैन रीड द इन एक्टिव्स इन इट। इसके अंदर इथाइल हेक्साइल ग्लिसरीन एंड फिनॉक्सी इथिलॉन है। फिनॉक्सी इथिलॉन अगर आपको नहीं पता, एक सेफ प्रेजर्वेटिव होता है, सो ये प्रेजर्वेटिव फ्री प्रोडक्ट नहीं है, विच इज अ गुड थिंग। इसकी जो लॉन्गिटिविटी है, एफिकेसी है, वो मेंटेन रहेगी, बिकॉज इसके अंदर एक सेफ प्रेजर्वेटिव डाला हुआ है। सो ये तो हो गया वेरिएंट नंबर वन, जो मैं आजकल बहुत ज्यादा यूज कर रही हूँ, लविंग दिस वन। चारों का ही जो टेक्सचर और कलर है ना, वो एक्जैक्टली सेम है, इतना कोई डिफरेंस नहीं है। द ओनली थिंग इज, कोई कोई जो मॉइस्चराइजर है वो थोड़ा सा हैवी फील होता है, बिकॉज ये इंटेंसली मॉइस्चराइजिंग है, तो ये थोड़ा सा हैवी फील होता है। कमिंग टू
टू द नेक्स्ट वेरियंट जो डेफिनेटली मैं अब समर्स में यूज करने वाली हूँ, ये है सन केयर बेरीज वर्जन विद SPF 15। ये 24 आवर्स की नरिशमेंट का क्लेम करता है। सो ये एक लोता बॉडी लोशन है चारों में से, जिसके अंदर SPF आपको मिलती है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर 15 आपको मिलता है। काफी बार हम फेस पे तो भर भर के SPF लगा लेते हैं, लेकिन हम बॉडी पे नॉर्मल बॉडी लोशन लगा के चले जाते हैं। लेकिन आपकी बॉडी को भी टैनिंग से अगर आपको बचाना है, तो आप कोशिश किया करो आप जो बॉडी लोशन लेते हो उसमें भी हल्की फुल्की SPF हो। अभी तो विंटर्स है, मेरे हैंड्स एंड ऑल ढके रहते हैं, तो अभी मैं इससे काम चला रही हूँ। गर्मी आते आते मैं डेफिनेटली ये वाला यूज करने वाली हूँ। सो ये जो वेरिएंट है, ये सन केयर बेरीज वेरिएंट है, और इसकी एक्चुअल में खुशबू एकदम बेरीज जैसी है। इसकी पैकेजिंग पे स्ट्रॉबेरी बनी हुई है ना, इसकी डिट्टो या इट्स लाइक जैसे हम बचपन में ना एक जेली खाते थे, स्ट्रॉबेरी की एक जेली आती थी, इसकी एक्जैक्टली वो जो उसमें टेस्ट और एक फ्रेग्रेंस आती थी ना, इसका एक्जैक्टली वैसी ही फ्रेग्रेंस है। इसका जो क्लेम है, इट हैज नेचुरल बेरी एक्सट्रैक्ट विद आलमंड मिल्क, जो स्किन को सपल रखते हैं एंड सेफ रखते हैं फ्रॉम सन। सो अगर आप थोड़ा सा सन प्रोटेक्शन वाला वेरियंट देख रहे हो, यू कैन रीच आउट टू दिस वेरियंट। नेक्स्ट वेरियंट इज रीजुविनेटिंग फ्लोरा वेरियंट, ये भी डेली मॉइस्चराइजेशन के लिए है। ये भी हल्का सा एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर है, बट दिस वन इज परफेक्ट फॉर सेंसिटिव स्किन। इसके पीछे क्लेम पे भी लिखा हुआ है अमेजिंग ब्लेंड ऑफ डेलीकेट फ्लोरल गुडनेस, 100% नेचुरल आलमंड मिल्क है, सेंसिटिव केयर टू रीजुविनेट योर स्किन। तो अगर आप वैक्सिंग कराते हो, शेविंग कराते हो, या वैसे भी अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, आप कुछ भी लगाते हो रेड हो जाती है, तो ये वेरिएंट आपके लिए परफेक्ट है। इसकी फ्रेग्रेंस की जहां तक बात की जाए, इसकी एकदम टैल्कम पाउडर जैसे वो फ्लोरल वाली खुशबू होती है ना, फूलों वाली हल्की, इसकी बिल्कुल वैसी वाली खुशबू है। अगेन अ रियली नाइस लाइट वेट मॉइस्चराइजर जो आप समर्स में यूज कर सकते हो। एंड लास्ट वेरिएंट इज फॉर ऑल द गर्ल्स जिनको सिट्रसी या फिर थोड़ा सा एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट पसंद है, बिकॉज ये वाला जो बॉडी लोशन है, इट इज सूदिंग सिट्रस एलो वेरिएंट। ये एंटी बैक्टीरियल इसका क्लेम है। सो अगर आपको बॉडी पे एक्ने है, बॉडी पे रैशेस हैं, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको काफी हेल्प कर सकते हैं उसको सूद और काम डाउन करने के लिए। इसकी पैकेजिंग पे भी लिखा हुआ है रिफ्रेशिंग गुडनेस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट ऑरेंज, प्योर एलोवेरा है विद 100% नेचुरल आलमंड मिल्क। सो इफ यू लाइक दैट खुशबू, बिकॉज यहाँ इसके बिल्कुल जैसे वो हल्की सिट्रसी खट्टी वाली खुशबू होती है, इसकी बिल्कुल वैसी वाली खुशबू है जो समर बॉडी लोशन या फिर बॉडी वॉशेस में आती है, इसकी बिल्कुल वैसी वाली फ्रेग्रेंस है। सो यू कैन पिक इट अप। ये तो थे इन चारों वेरिएंट्स के क्लेम्स, प्लस मैंने आपको क्लियरली बता भी दिया कि आप किस वेदर कंडीशन में या फिर किस स्किन कंसर्न के हिसाब से कौन सा पिकअप कर सकते हो। बट इफ यू आस्क मी कि मेरा कौन सा फेवरेट है, बिकॉज यू गाइस ऑलवेज आस्क मी कि आप सीधा बता दो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। सो अभी विंटर्स के हिसाब से मुझे नरिशिंग कोकोआ वेरिएंट काफी सही लग रहा है, मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, प्लस मेरी नीज भी यूज कर रही है। कल लिटरली मेरी से भी भर भर के अपनी लेग्स पे लगाया, बिकॉज उसकी लेग्स काफी ड्राई हो गई थी, और इसको लगाने के बाद एक बहुत अच्छी शाइन आई थी इसकी लेग्स के ऊपर। सो डेफिनेटली ये हम दोनों अप्रूव कर रहे हैं फॉर विंटर ड्राई स्किन। लेकिन जैसे जैसे गर्मी आएगी या फिर मैं हाफ स्लीव के कट स्लीव के कपड़े पहनूंगी और मुझे बाहर जाना होगा धूप में, आई थिंक आई प्रेफर दिस पर्टिकुलर वन विच इज द सन केयर बेरीज विद SPF 15। आई लव बॉडी लोशन विद SPF, हल्की फुल्की सन प्रोटेक्शन मिल जाती है मेरी बॉडी को, तो सेफ भी रहता है, टैनिंग कम से कम होती है। टॉकिंग अबाउट द प्राइस एंड शेल्फ लाइफ, अगर मैं शेल्फ लाइफ की बात करूं, 7/2021 की इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, 6/2023 में एक्सपायर होगा। सो 2021 से लेकर 2023 तक एक्जैक्टली काफी सही टाइम के लिए चलेगा, और इसकी क्वांटिटी एकदम डिसेंट इनफ है, आप इसको इनफैक्ट उससे पहले ही खत्म कर दोगे, तो एक्सपायर होने का भी कोई चांस नहीं है। प्लस इसके अंदर सेफ प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं, तो इसकी एफिकेसी खराब नहीं होगी। एंड द प्राइस ऑफ दीज आर ₹250 फॉर 200 ml ऑफ प्रोडक्ट, विच इज जस्टिफाइड। क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस एकदम परफेक्ट है, कंसिडरिंग इनके क्लेम्स भी काफी सेफ और अच्छे हैं। सो दैट इज इट फॉर माय रिव्यू ऑन दीज बॉडी लोशन। ओवरऑल आई लव देम, द क्लेम, द वर्किंग, देयर डिफरेंट वैरायटी, मुझे ओवरऑल ये काफी पसंद आए, अब तक मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है इन बॉडी लोशन से। डेफिनेटली यू कैन चेक देम आउट, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप क्लिक करके इजीली शॉप कर सकते हो। ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपने ट्राई करें या फिर नहीं करें, या फिर करने वाले हो, या फिर एवर यूथ का आपने कोई प्रोडक्ट ट्राई किया, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डू फॉलो माय इंस्टाग्राम फॉर मोर रिव्यूज, मैं ऐसे और अच्छे अच्छे रिव्यूज इंस्टाग्राम पर भी करती रहती हूँ, स्टोरीज के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, रील्स के थ्रू, तो वहां पर जाओ मुझे फॉलो करो। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे दे दूंगी, यू कैन जस्ट क्लिक देयर एंड फॉलो मी डायरेक्टली। एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।